एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, संरचनात्मक आकलन, और दूसरा समेटिव असेसमेंट, दैट इज नथिंग बट योगात्मक आकलन। ये दोनों पॉइंट होते क्या, संरचनात्मक और योगात्मक। इनको प्रैक्टिकली तौर पर समझिए, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रैक्टिकली समझते हैं कि वास्तव में ये पॉइंट्स होते क्या हैं। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दो सिनेरियो, सेक्स ए और बी। तो सिनेरियो वन में आपको सोचना है कि आप किसी क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं और स्टार्टिंग में आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने किसी बच्चे से पूछा कि हमारे शरीर में ब्लड लाल क्यों होता है, हमारे से वाई आवर ब्लड इज रेड। कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया आरएनए डीएनए के कारण। तो जो बच्चे गलत रिप्लाई करेंगे, आप उन्हें समझाएंगे कि नहीं, वास्तव में हमारे शरीर में खून हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक है। और अगर वो गलत जवाब देते हैं तो आप उन्हें आंसर करेंगे, समझाएंगे और सही चीज़ों को बताएंगे। तो ये हो गया सिनेरियो वन। अब इसके अपोजिट सिनेरियो बी में देखिए, इसमें क्या होता है। लेट्स सपोज कि आप वाइवा देने के लिए बैठे हैं, बीएड एग्जाम्स के बाद आप वाइवा देने के लिए बैठे हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए, और प्रैक्टिकल का एग्जामिनर आपसे कुछ वाइवा में सवाल पूछ रहा है, सेम सवाल पूछ रहा है कि हमारा खून लाल क्यों होता है, और आपने कह दिया आरएनए के कारण। आपने अक्सर देखा होगा कि वाइवा में एग्जामिनर्स जो भी सवाल आपसे पूछते हैं और आप जवाब देते हैं, वो आपसे ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करते। आपके जो भी जवाब होंगे, चाहे सही होंगे या गलत होंगे, वो सुन लेंगे और उस जवाब के आधार पर आपके मार्क्स चढ़ा देंगे, वहाँ पर मार्क्स दे देंगे। वो आपको वहाँ पर करेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको वहाँ पर सिखाएंगे नहीं। तो बस यही दो डिफरेंस है, और यही मेन होता है संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। जो पहली सिनेरियो है, पहली सिनेरियो आप क्लास के शुरू में या क्लास के बीच में बच्चों से इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकें, ताकि आप उनको सही से सिखा सकें, ताकि आप उनको अपना अधिगम करा सकें, उन्हें पढ़ा सकें। जबकि सिनेरियो दो में आपके वाइवा एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न इसलिए पूछा कि वो चेक कर सके आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, वो आपके अधिगम का आकलन कर सके, वो ये जान सके कि आपने कितना पढ़ा है, और वो अंत में कर रहा है इसलिए ताकि वो एक रिजल्ट बना सके और आपके बारे में निर्णय ले सके कि आपने कितना पढ़ा है, आपको आगे क्लास में जाना है कि नहीं जाना है, आपको पास करना है कि फेल करना है, और आपके अंक को वहाँ पर निर्धारित कर देता है। तो वास्तव में यही दो चीज़ें होती हैं। जो पहला सिनेरियो है वो संरचनात्मक है, और जो दूसरा सिनेरियो वो योगात्मक है। तो अब संरचनात्मक को समझ लीजिए। संरचनात्मक आकलन क्या है? वह आकलन जो शैक्षिक प्रक्रिया के शुरू में या बीच में की जाती है, अंत से पहले की जाती है, और इस नियत से की जाती है कि बच्चे को सिखाया जाए, उसकी कमियों को दूर किया जाए, उसे नई चीज़ बताई जाए। जब हम आकलन अधिगम के लिए करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, दैट्स कम्स अंडर फॉर्मेटिव असेसमेंट, संरचनात्मक आकलन। और जब हम आकलन अपना परिणाम देने के लिए, अपना रिजल्ट देने के लिए, उसके भविष्य का फैसला करने के लिए शैक्षिक क्रिया के अंत में करते हैं, अधिगम का आकलन करते हैं, सिखाने के लिए नहीं करते, शैक्षिक क्रिया के अंत में जब हम आकलन करते हैं परिणाम देने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए, उसके अधिगम का आकलन करने के लिए, तो वो आता है समेटिव असेसमेंट, यानी कि योगात्मक आकलन। तो यही मुख्य बात होती है संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन की। अब आइए इसके बारे में थोड़े से और पॉइंट देखेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे। दोस्तों आइए इसी चीज़ को हम शब्दों में समझते हैं कि इसको हमने लिखना कैसे। देखिए, संरचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। और जब कोई शैक्षिक योजना अपने प्रारंभिक, शुरू में या निर्माण अवस्था में, बीच में हो, और उसका आकलन कर, शैक्षिक योजना का आकलन कर उसमें सुधार किया जा सके, तो इस प्रकार के आकलन को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक आकलन कहते हैं। जबकि योगात्मक आकलन में क्या होता है? योगात्मक आकलन से अभिप्राय है किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, जो पहले से पूर्ण हो चुकी हो, कार्यक्रम या योजना के गुण व दोष की जानकारी इसलिए एकत्रित करना, क्यों एकत्रित करना, जिससे हम उस कार्यक्रम या योजना को स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय ले सके। वाइवा इसीलिए लिया जाता है कि आपके बारे में निर्णय लिया जा सके कि आपको अगले कक्षा में प्रमोट करना है कि नहीं करना है। इसी चीज़ को कहा गया कि पूर्व निर्मित, पहले से पूर्ण हो चुकी, आपकी पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, और उस समय आकलन करके आपके भविष्य के बारे में निर्णय लिया जाना हो, तो उस आकलन को हम कहते हैं योगात्मक आकलन और समेटिव असेसमेंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, किसी भी शैक्षिक योजना का आकलन
उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता, उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है वो संरचनात्मक आकलन कहता है। मैंने कहा ना कि आपकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए, आपके अंदर सुधार के लिए आकलन किया जाता है तो वो होता है संरचनात्मक आकलन। जबकि योगात्मक आकलन क्या होता है? युगात्मक आकलन आपके निर्णय लेने के लिए किया जाता है आपके भविष्य के बारे में। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है भैया? इसका उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम तैयार की गई योजना की कमियों को इंगित करना तथा उसमें सुधार के उपाय बताना है। ठीक है, तो ये हो गया उसका उद्देश्य। और संरचनात्मक आकलन को पढ़ाते समय शिक्षण प्रक्रिया के मध्य ही किया जाता है। आप पढ़ा रहे हैं उसी के बीच में आपको करना है संरचनात्मक आकलन। जबकि योगात्मक आकलन क्या है भैया? योगात्मक आकलन सत्र के अंत में होता है। यह दीर्घकालीन निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीर्घकालीन आपकी फ्यूचर के बारे में बताता है और इसका निष्कर्ष ही अंतिम परिणाम होता है। वाइवा वाले ने आपको पास लिख दिया, ए प्लस दे दिया तो आप पास हो गए, अगर उसने फेल लिख दिया तो आप फेल हो गए। इसका निष्कर्ष ही अंतिम परिणाम होता है योगात्मक आकलन का। तो चीज़ें समझ में आपसे इन दोनों में अंतर पूछता है तो आप अंतर कैसे लिखेंगे? संरचनात्मक आकलन शैक्षिक कार्यक्रम या योजना में सुधार के लिए की गई आकलन है, जबकि योगात्मक आकलन शैक्षिक कार्य योजना को स्वीकार अथवा उसे भविष्य में जारी रखने या ना रखने के निर्णय लेने के लिए किया गया आकलन है। यहाँ पर आप आकलन कर लीजिएगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या है? यह आकलन अल्पकालीन निर्णय लेने में सहायक होता है, जबकि यह आकलन दीर्घकालीन निर्णय लेने में सहायक होता है। इसकी प्रकृति सुधारात्मक है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है और यहाँ पे निर्णय परिणात्मक है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मध्य में किया जाता है या शिक्षण का के अंत में किया जाता है। इसका निष्कर्ष अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होता। मान लीजिए आपने क्लास में किसी बच्चे से कोई सवाल पूछा, उसने नहीं बताया, तो क्या आप उस चीज़ को उसके रिजल्ट में जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, आप उसको वहीं सुधार करेंगे। जबकि इसका निष्कर्ष ही अंतिम परिणाम होता है। आप कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि यह अधिगम के लिए आकलन है, दिस इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। यह अधिगम का आकलन है, दिस इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको योगात्मक और संरचनात्मक आकलन के बारे में समझ में आ गया होगा आसान से शब्दों में। अब आपको करना क्या है, आपकी सीरीज और बुक्स में जो भी इसके बारे में नोट्स दिया गया है आप उसको पढ़ लीजिए और इस चीज़ को यहाँ समझ के क्लियर कर लीजिए और एग्जाम्स में अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश थी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, मुझे कैसे आकलन करना है। आप भी मेरा आकलन कर सकते हैं और आप जो मेरा आकलन करेंगे ना वो संरचनात्मक आकलन होगा, क्योंकि आप मेरा सुधार के लिए आकलन करेंगे और आपके आकलन के बाद मैं अपने वीडियोज़ में सुधार करूँगा। तो कमेंट में मेरा असेसमेंट करिए, मुझे बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, अपनी राय अपनी फीडबैक जरूर कमेंट में दे ताकि मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आप साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, जो ये नोट्स है इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। और टेलीग्राम में बहुत सारे स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग सिलेबस फाइल्स और नोट्स आपको भेजे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप जुड़ गए होंगे। और सबसे लास्ट में आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल क्लिक ऑन द रेड आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।